दोस्तों आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत ने जो मोहम्मद सिराज को बीच मैदान में गाली दी वो ठीक दी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हमें बताएं कि ऋषभ पंत को ये गाली देनी चाहिए थी या फिर ऐसा एंड के बल्लेबाजों से हो जाता है, उसमें सिराज की गलती नहीं है। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको पूरा वाक्य बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों ऋषभ पंत ने बीच मैदान में अंतिम गेंद पर भारतीय पारी की मोहम्मद सिराज को गाली दे डाली। दरअसल ऋषभ पंत आज शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और धुआंधार शॉट खेल रहे थे, लेकिन एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे। लगातार विकेट गिरते हुए जब अंतिम विकेट के लिए मोहम्मद सिराज मैदान में आए तो पहले ऋषभ पंत ने उनसे कुछ कहा, लेकिन बाद में मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद पर ही एक धुआंधार शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर चार रन के लिए चली गई। अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा गिरी और मोहम्मद सिराज आउट हो गए। इस पर बीच मैदान पर ही ऋषभ पंत नाराज हो गए। ऋषभ पंत का शायद ये मानना होगा कि ये अंतिम गेंद थी ओवर की, अगर वो इस गेंद को आसानी से खेल जाते तो शायद अगले ओवर में स्ट्राइक पर ऋषभ पंत होते और वो धुआंधार शॉट खेलकर टीम के स्कोर को और आगे तक ले जाते। इसी वजह से बीच मैदान पर ऋषभ पंत मोहम्मद सिराज पर काफ़ी नाराज दिखे। ऐसा लग रहा था कि वो जमकर गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में मोहम्मद सिराज ने भी उनको जमकर घूरा और घूर कर शायद वो भी ये कह रहे होंगे कि गाली देने की ज़रूरत नहीं है या फिर गाली मत दीजिए। वैसे ऋषभ पंत ने इस दौरे पर और पिछले कुछ समय से लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। विकेट कीपिंग हो चाहे बल्लेबाजी, वो लाजवाब खेल दिखा रहे हैं और आज भी वो ऐसा ही खेल दिखा रहे थे, लेकिन अंतिम दो विकेट उनकी आंखों के सामने जल्दी जल्दी गिर गए। अगर मोहम्मद सिराज ये गलती ना करते तो शायद और भारतीय टीम का स्कोर बड़ा होता, लेकिन मोहम्मद सिराज ने दो गेंदों पर लगातार दो गलती कर अपना विकेट फेंक दिया। अगर आपको भी ऋषभ पंत की ये बल्लेबाजी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऋषभ पंत ने जो मोहम्मद सिराज को गाली दी वो एग्रेशन में निकली गाली ठीक थी या फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।